नोटिफिकेशन मिलेंगे या नहीं यूट्यूब का अभी पता नहीं। यूट्यूब के बहुत से नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे एक बार आके देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। ये मैंने दूसरे चैनल से चेक किया है, इसलिए बोल रहा हूँ यार। सवाल ये है कि भूल भुलैया और सिंघम, इन दोनों का क्लैश हो रहा है। अभी तक तो भूल भुलैया वालों ने अभी तक अपना डेट चेंज नहीं किया है, क्योंकि कंफर्म है कि 3 भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन, यानी सिंघम 3 के साथ आ रही है। तो क्या होगा, कौन चलेगी, कौन सी फिल्म नहीं चलेगी? देखो भाई, एक बात है, भूल भुलैया 3 के साथ एक चीज़ बहुत तगड़ी जुड़ी है, वो है टी सीरीज़। ये याद रखना आपने हमेशा। टी सीरीज़ की खासियत दो है, एक तो प्रमोशन लेवल तगड़ा करते, और दूसरी बात स्क्रीन काउंट्स कैप्चर करने में, स्क्रीन कैप्चर कर लेने के वो बहुत आगे रहते हैं हमेशा। सिंघम के साथ रोहित शेट्टी बेहतरीन है, नो डाउट। लास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो सर्कस अच्छी नहीं गई थी, पर फिर भी सिंघम एक ब्रांड है, तो वो इशू नहीं आनी चाहिए। पर क्योंकि ये दोनों भी फिल्मों के बजट अच्छे खासे हैं, भूल भुलैया अभी पार्ट 3, अब देखो जितना क्रिटिसाइज करना है कर लो। जो लोग करते हैं कि भाई पार्ट 2 किस वजह से चली थी, ये मैं भी मानता हूँ, पर तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पार्ट 3 आ रहा है, तो कार्तिक को भी तुमको कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा कि वो कि भाई वो अब फ्रेंचाइजी फिल्म अगर रही भी है तो वो कार्तिक की रही है। अब पार्ट 3 आ रहा है जिसमें कार्तिक आर्यन है, भूल भुलैया के 2 पार्ट्स अब बन चुके हैं, जिसमें 2 में और 3 में कार्तिक है, अक्षय पार्ट 1 में था। तो जब 3 चलेगी तो आप वो क्रेडिट नहीं बोल सकते कि वो अक्षय के नाम पे चली। पार्ट 2 का क्रेडिट आपने दिया, एग्री, मैं भी खुद समाओ एग्री करता हूँ ये चीज़, पर पार्ट 3 चलेगी तो आप ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैं तो ये बोलूँगा कि पार्ट 2 सक्सेसफुल थी इसलिए पार्ट 3 चली। वहाँ पे आपको कार्तिक को क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे आप इसके हेटर ही क्यों ना हो, ये हमेशा याद रखो। पार्ट सेकेंड थिंग सिंघम को लेके मैं कहूँगा कि ये अगर क्लैश ना होती तो मज़े आते, पर चलो ठीक है, फिर भी अगर क्लैश भी होती तो एक प्लस पॉइंट ये है कि रेड 2 पोस्टपोन होने की वजह से हुआ है कि सिंघम को भी मौका मिल रहा है, और औरों में कहाँ दम था कि बात सिंघम बहुत दिन बाद आ रही है। तो जो लोग बोल रहे हैं अजय देवगन अगर बार बार भी आएगा, तो भाई वो एक गैप की तरफ से आ रहे हैं, एटलीस्ट सिंघम गैप से आ रही है, उसका फ़ायदा होगा सिंघम को। क्लैश है चलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी 50 दिन मिल रहे हैं डायरेक्टली, उसके बाद वेलकम टू जंगल एंड वो सितारे ज़मीन पर आ रही है। 50 दिन कम नहीं होते भाई, क्लैश भी हो दोनों भी फिल्मों को फ़ायदा है। तो कौन जीतेगा कौन नहीं, बजट किसका ज़्यादा किसका नहीं, वो बाद में रखो, लेकिन मैं इतना भी कहूँगा कि कार्तिक के भी फैंस को फ़ायदा है, और कॉप यूनिवर्स अक्षय अजय जितने भी लोग हैं उनको भी फायदा है। तो ये लॉस कहीं पे भी नहीं जा रही है फिल्म। ऊपर से भूल भुलैया का भी एक एडवांटेज, इस बार एडवांटेज ये है कि विद्या बालन है और माधुरी दीक्षित है, क्या पता अक्षय का कैमियो है या नहीं, मुझे डाउट है। तो हो सकता है कि सिंघम में भी अक्षय का कैमियो और भूल भुलैया में भी, पता नहीं यार, मुझे समहाउ फील आता है कि इन्होंने सीक्रेट रखी है कुछ चीज़ें भूल भुलैया की। वो कैमियो हो गया तो भाई अक्षय के फैंस तो दूतरफा टूट पड़ेंगे भाई, वो वहाँ पे भी जाएंगे भागेंगे, क्योंकि अगर कैमियो भी आता है तो ये हिंट मिल जाएगा कि भूल भुलैया 4 में अक्षय विद कार्तिक हो गए, वो भी मेन लीड में, क्या पता। पर अभी नहीं पता कैमियो है या नहीं, वो नहीं पता। एटलीस्ट सिंघम का कैमियो पता है कि अक्षय है, तो एडवांटेज है सिंघम की तरफ, क्योंकि बहुत से कैमियोज भी है। सिंघम एक कॉप यूनिवर्स फिल्म है, भूल भुलैया 3 के लिए भी डिसएडवांटेज तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। वो आप तृप्ति की भी बात कर लो, मुझे नहीं लगता है कि भूल भुलैया 3 भी कहीं पे कम होगी सिंघम से। हाँ मतलब कलेक्शन वाइज अभी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे हम, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो नहीं चलेगी, उल्टा मैं कहूँगा दोनों भी अच्छी खासी चलने वाली है, और किसी को मेरे अकॉर्डिंग कोई लॉस नहीं। उल्टा लॉस है तो सिंघम सोलो में बहुत तगड़ा कर सकती थी, कलेक्शन वाइज बोल रहा हूँ, अगर आपको बड़ा वाला एंगल चाहिए तो की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस बार क्या है कि भूल भुलैया से क्लैश होता है तो भूल भुलैया भी छोटी फिल्म नहीं है ना, वो एक इशू है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है दोनों भी फिल्मों में से कोई किसी को लॉस है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ।
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा एक लेस, ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। यूट्यूब का प्रॉब्लम है इसीलिए शेयर करो, नोटिफिकेशन मिले ना मिले शेयर करते रहो, इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है।